नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आरआरसी हुबली वाले स्टूडेंट है, रेलवे ग्रुप डी वाले, ठीक है। अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है, तो इसके रिगार्डिंग जो स्टूडेंट है भाई, वो अपने आरआरसी हुबली में भी गए थे, तो वहां से क्या रेस्पॉन्स आया कि मतलब उन्होंने आरआरसी ने बोला कि भाई अभी हमारे पास कोई भी वैकेंसी वैकेंट नहीं है, ठीक है। जब वैकेंसी वैकेंट होंगी तो आप लोगों को बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो स्टूडेंट है उन्होंने मेरे से बोला कि भैया आप वीडियो बना दीजिए जिससे कि हम एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो सके, ठीक है। और ये मतलब 31 तारीख को रेल भवन जा रहे हैं क्योंकि अपनी बात को रखने के लिए, ठीक है। अब इससे मैं बताता हूँ भाई, जो सेकंड डीवी का वेट कर रहे हैं तो उनको भी, क्योंकि आप भी जानते हो इतना तो भाई, कि सेकंड डीवी भी तभी आएगी जब ये इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। इनका सारा काम कंप्लीट हो जाएंगे ना, तभी आपकी मतलब सेकंड डीवी वगैरह आएगी, ठीक है। तो इनको ज्वाइनिंग मिलना पहली बात है ना, सबसे पहले तो यही काम है ना कि इनको, अरे इनको ही यार एक बात बताओ, जब ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है तो अपनी सेकंड डीवी कहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो भाई जो भी स्टूडेंट हैं जो ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, तो भाई 31 तारीख को वहाँ पे उनके साथ जाइए, और ठीक है जिस ग्रुप में वो सारे के सारे ऐड हैं उसकी मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप कनेक्ट होइए और उनके जो भी भाई जा रहे हैं उनका साथ दीजिए, जिससे कि भाई जो आपको ज्वाइनिंग है वो भी जल्दी मिल पाए और जो सेकेंड डीवी का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट हो सके, ठीक है। और जो हमारे एक भाई हैं जो उस मतलब ग्रुप को लीड कर रहे हैं, तो उनकी भी वीडियो क्लिप्स है, तो उसको भी आप जरूर सुनिएगा। अभी मैं वीडियो को लास्ट में उसको चला दूंगा, ठीक है ना। और भाई जितना हो सके ना, अपने जो ज्वाइनिंग वाले स्टूडेंट है उनके साथ, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और भाई जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए चैनल को प्लीज़ अब की बार आपने, क्योंकि वीडियो काफ़ी देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू। अभ्यर्थियों को सूचित किया गया कि 16 मई 2023 को रोजगार मेले के माध्यम से प्रधानमंत्री जी आपको नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल था, लेकिन 16 मई 2019 को इस मैसेज के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान करने की बात कहकर रेलवे ने 16 मई 2019 के बाद में कोई भी नियुक्ति पत्र अभी तक अभ्यर्थियों को नहीं भेजा है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी आरआरसी हुबली कर्नाटक में 7160 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें अभी तक लगभग 6200 पदों पर पैनल आ चुके हैं। इसमें लगभग 17 तरह की पोस्टें हैं, इनमें सिर्फ ट्रैकमैन और SNT वगैरह के कुछ पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अन्य सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जानकारी मांगने पर अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का रिक्त पद खाली ना होने की सूचना दी जा रही है। आप खुद समझदार हैं, 2019 से 2023 तक 5 सालों के बीच में बहुत से खाली पद हुए होंगे, लेकिन अधिकारियों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि हमारे पास पद रिक्त नहीं है, जब पद रिक्त होंगे तब हम आपको सूचना दे देंगे और आपका नियुक्ति पत्र आपको मेल और डाक के माध्यम से भेज देंगे। इसी विषय पर अभ्यर्थियों ने संगठित होकर 31 जुलाई 2023 को रेल भवन दिल्ली पहुँचने के लिए सोच रहे हैं, जिससे हम सभी रेल मंत्रालय के अभ्यर्थी संगठित होकर अपनी समस्या को रेल मंत्री को सूचित करेंगे। रेल मंत्री जी द्वारा कहा गया था कि जून 2023 से पहले 1,40,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करा ली जाएगी, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया है। अतः सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 31 जुलाई 2023 को रेल भवन पहुँचकर हमारे आंदोलन को सफल बनाने की कृपा करें। धन्यवाद।